ओके स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश कुमार रमन और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिरेकल यूनिक क्लासेस पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। और लॉकडाउन का जो सिलसिला है ये फिर शुरू हो गया है और खुदा न करे, भगवान न करे कि ये जो सिलसिला है एक कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि हमारे देश और दुनिया की जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल ही दयनीय है और आप लोगों का जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। सभी कोचिंग क्लासेस सब बंद पड़े हैं और आप लोगों का पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए हम और साहिल सर इस मिरेकल यूनिक क्लासेस पर आप लोगों का कंटिन्यू चैप्टर वाइज जो क्लास 10th और 12th का जो आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू हम लोग देते रहेंगे। और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू अपने पढ़ाई को कहीं ना कहीं आप लोग बाधित ना करें। और प्रत्येक दिन आप लोग वीडियो की प्रतीक्षा में बने रहिएगा, क्योंकि आज से ये जो वीडियो का जो सिलसिला है ये लगातार चलता रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि देखा जाता है कि जब हम लोग कोई भी दुख या मुसीबत आता है तो उसको दुर्भाग्यवश नहीं, उसको सौभाग्यवश आप उसका जो सदुपयोग कीजिए। क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त को मतलब जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं उनका मतलब अपना एक कंप्लेन रहता है कि सर हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर कोचिंग आने जाने में हम लोग का जो वक्त है पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। तो ये जो वक्त है इसको घर पर बैठकर इसका सदुपयोग कीजिए। कम से कम आप लोग का पूरा दिन आपके पास है, अपने काम करने के बावजूद जो आपके पास वक्त मिलता है उसको बैठकर क्लास कीजिए। क्लास करके और जितना भी मतलब क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है या फिर यूट्यूब के माध्यम से बैठते हैं उसका रिविज़न कीजिए, उसको पढ़िए। तो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना जो जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे उसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ मैं। चलिए, तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन जाति प्रथा और श्रम विभाजन का, ये तो आप जानते हैं कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया प्रथम पाठ है। तो आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। कुछ क्वेश्चन का जो आप लोग का टाइटल होता है कुछ ऐसा होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, अब आप लोगों का उनके जन्म, मृत्यु और उनके शिक्षा कहाँ से उन्होंने ग्रहण की इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बुद्धा एंड हिज धम्मा किसकी रचना है। तो आप लोगों को जिस समय वो वीडियो पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि बुद्धा एंड हिज धम्म ये किसकी रचना है, यानी कि भगवान बुद्ध के बारे में लिखे हुए थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो आगे चल करके जो हिंदू धर्म है उसका उन्होंने परित्याग किया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए उन्होंने बुद्धा एंड हिज धर्म लिखा था, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, इतना बात याद रखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज में जाति प्रथा को क्यों आवश्यक माना जाता है। जो आधुनिक सभ्य समाज, जो वर्तमान में ये जो सभ्य समाज चल रहा है इसमें जाति प्रथा को आवश्यक क्यों माना गया है, क्यों जरूरी है। तो ये है आपका श्रम, इसको आवश्यक इसलिए माना गया है क्योंकि श्रम विभाजन, यानी कि जो जिस जाति से वो उस काम को आसानी से कर सकें, इसलिए इसको आवश्यक माना गया। अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब किसकी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, उन्हें पिता भी कहा जाता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन ऐसा आप लोगों से पूछा जाता है कि बाबा साहेब किनकी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जाति प्रथा किस समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण करती है। तो ठीक है, जो जाति प्रथा है ये किस समय से आपका जो है महत्वपूर्ण पेशा क्या करती है, निर्धारण करती है, किस समय से, जिस समय बताए हुए थे पाठ में, आप लोग बढ़िया से वीडियो देखिएगा तो उसमें बताए हुए हैं कि जिस समय जो बच्चा होता है वो गर्भ में ही रहता है तो गर्भ से ही उसका जो पेशा है उसका निर्धारण कर दिया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा गर्भ से, क्योंकि लोग बोलता है कि जब जन्म लेगा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर जिस आपके जाति से है उस जाति का अपना पेशा अपनाएगा। जाति प्रथा पेशों का क्या निर्धारण करती है, दोषपूर्ण। जो जाति प्रथा है वो पेशों का क्या निर्धारण करती है जी, दोषपूर्ण, क्योंकि जो जाति प्रथा है भारत में कहीं ना कहीं ये आपका दोषपूर्ण प्रथा है कि जो जिस जाति से उस काम को कर सकता है, अगर उस काम को करने का मन नहीं है तो एक हमारे समाज में
जो अनएम्प्लॉयमेंट आज हम लोग बात करते हैं यानी बेरोजगारी, तो बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण भी जाति प्रथा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है भाई क्या है, जो सामूहिक जीवनचर्या यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर हमारे समाज में जो रह रहे हैं ये भाई किसकी रीति है, तो एक लोकतंत्र के है, जो एक लोकतंत्र है इसमें लोगों का अपना अपने तरफ से लोग क्या करते हैं, अपने निर्वाचित व्यक्ति को यानी कि खुद आप लोग में से ही एक व्यक्ति खड़ा होता है क्लासरूम में एज ए मॉनिटर और सब लोग उसको अपना मत देते हैं कि सर यही मॉनिटर रहेगा। तो जो लोकतंत्र है वो क्या है, जीवनचर्या का एक आपका सामूहिक जीवनचर्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश इट इज़ कॉल्ड द टाइगर स्टेट, इसको हम लोग बाघों का मतलब इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि वहाँ से बहुत महान पुरुष जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहीं से एक रहे हुए हैं जो कि बहुत प्रतिभाशाली थे और उनकी बहुत सारी कविताएँ कहानी अब आप लोग भी इशारा समझ ही गए होंगे कि वो कौन थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ मेरा इशारा है। चलिए उसके आगे आते हैं, बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए थे, ठीक है, किनके प्रोत्साहन पर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो कहाँ गए थे जी भाई, विदेश पढ़ने के लिए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय विदेश से पढ़कर भारत आए हुए थे और उनका नाम है किनके प्रोत्साहन पर गए हुए थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश थे जो कि उनको मतलब एक अच्छे विद्यार्थी थे और एक और इनकी प्रतिभा को देख करके बड़ौदा नरेश ने निर्णय लिया कि नहीं तुम एक अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति हो और तुमको तुम्हारे पढ़ाई का सब खर्च हम उठाएंगे और उसका पढ़ाई का खर्च उठा करके इन्होंने कहाँ भेजा था, इनको विदेश पढ़ने भेजा था, कौन याद रखिएगा, बड़ौदा नरेश। लेखक के तीन प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी कि लेखक जिससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, बहुत ज़्यादा इनको प्रेरणा मिला था, इनको इंस्पिरेशन मिला था भाई, वो व्यक्ति कौन थे, पहला है भगवान बुद्ध, ठीक है, दूसरा है कबीर जी और तीसरे कौन है, ज्योतिबा फुले। थोड़ा बता देते हैं, भगवान बुद्ध तो जानते हैं, भगवान बुद्ध उनका एक अपना धर्म था और उन्होंने बहुत सारे हिंदू धर्म के जो भी अंधविश्वास है इन सारे चीज़ों से उन्होंने अपना पर्दा हटाया था और उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसको हम आज बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। कबीर जी का आप लोग सुने होंगे दोहा, ठीक है, तो इन्होंने कबीर जी से भी इनको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला था और इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। चलिए उनकी एक जो दोहा है आप लोग हम बताते हैं कबीर जी का, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। भाई पहले अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको ढूंढे फिर दूसरे के अंदर की जो कमियां हैं उसको ढूंढने चले। और ज्योतिबा फुले हमारे समाज के सोशल रिफॉर्म कहने का मतलब कहा समाज सुधारक थी। ज्योतिबा फुले कौन थी, समाज सुधारक थी और ये तीन व्यक्ति थे जिनसे इन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या मिला, प्रेरणा मिला, किनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक साल आप लोग एग्जाम में पूछे आते हैं। तो लोकतंत्र अति लेखक के अनुसार लोकतंत्र क्या है, जहां पर आपका स्वतंत्रता हो, क्षमता हो और भ्रातृत्व का भाव हो, वही लेखक के अनुसार क्या है, एक सुंदर और स्वच्छ लोकतंत्र है। अगला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र को क्यों आवश्यक माना है, तो इसका आंसर भी थोड़ा देख लीजिएगा। बाबा साहेब ने लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को आवश्यक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे समाज में लोकतंत्र की ऐसा कौन सा गुण है जिसको उन्होंने आवश्यक माना है, तो याद रखिएगा बाबा साहेब ने, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाबा साहेब बोलते हैं, तो बाबा साहेब ने लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को आवश्यक माना है। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुए थे और जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं ये प्रत्येक साल आप लोग एग्जाम में पूछे आते हैं, इसको आप लोग मतलब ये वीडियो देखते समय आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और इसको आप समराइज कर सकते हैं, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।